पूर्व उप प्रधानमंत्री स्वर्गीय देवीलाल की पुण्यतिथि के अवसर पर आज इंडियन नेशनल लोकदल जिला इकाई द्वारा स्वर्गीय देवीलाल को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। आपको बता दें कि देवीलाल चौक मेरठ रोड करनाल पर स्वर्गीय देवीलाल की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। इस अवसर पर इनेलो की ओर से सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन भी किया गया। इस दौरान पूर्व उप प्रधानमंत्री स्वर्गीय देवीलाल द्वारा देश के हित में किए गए कार्यों को याद किया गया। इस मौके पर जिला अध्यक्ष यशवी राणा ने कहा कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी स्वर्गीय देवीलाल द्वारा स्थापित की गई थी, जिसको पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के नेतृत्व में आगे बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि देवीलाल हर वर्ग के हितैषी थे, उन्होंने हर वर्ग के उत्थान के लिए कार्य किए। इस मौके पर इंडियन नेशनल लोकदल किसान सेल के प्रदेश अध्यक्ष फूल सिंह मंजूरा ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि स्वर्गीय देवीलाल के दिखाए रास्ते पर इनेलो चलकर आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि इंडियन नेशनल लोकदल की ओर से दिल्ली बॉर्डर पर एक बड़ा अस्पताल स्थापित किया गया है, जिसमें आंदोलन के चलते बीमार हुए किसानों की सेवा की जाएगी एवं उनका इलाज भी किया जाएगा। इस मौके पर ओम प्रकाश सलूजा, जयपाल पुनिया सहित बड़ी संख्या में इंडियन नेशनल लोकदल के जुड़े लोग मौजूद रहे। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप करनाल के देवीलाल चौक से पूर्व प्रधानमंत्री उप प्रधानमंत्री स्वर्गीय देवीलाल की पुण्यतिथि के अवसर पर इनेलो पार्टी की ओर से यहाँ हवन यज्ञ किया जा रहा है। जिलाध्यक्ष यशवीर राणा के साथ अन्य नेता भी यहाँ मौजूद हैं। हम आपको बता दें कि इससे पहले हर वर्ष यहाँ पर इंडियन नेशनल लोकदल की ओर से हवन यज्ञ कर उनकी बनाई गई नीतियों को याद किया जाता है। जो देश हित में चौधरी देवीलाल द्वारा कार्य किए गए थे उनको याद कर आज यहाँ पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। आज तब देवीलाल की पुण्यतिथि है। आज करनाल में हम तब देवीलाल की पुण्यतिथि पूजा पाठ के द्वारा, मौलवी भी है हमारे पास, वो भी अपने प्रवचन बोलेगा और पंडित जी भी और गुरु ग्रंथ साहब के बारे में सबके पूजा पाठ करके तब देवीलाल जी को याद किया जाएगा। तब देवीलाल जी एक गरीबों के मसीहा थे और किसानों के हमदर्द थे। उन्होंने गरीब आदमी को ऊंचा उठाने के लिए उन्होंने चाहे राज के द्वारा, चाहे विधानसभा से त्याग पत्र देकर, चाहे कि अपना खेत खलिहान से किसी प्रकार से भी उन्होंने गरीब की मदद की थी। उन्हीं नक्शे कदम पर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने भी अपने राज में गरीबों का सहयोग दिया और लोगों को रोजगार दिलवाए और किसानों की मदद की। और आज उन्हीं नक्शे कदम पर ताऊ देवीलाल की राह पर चलते हुए चौधरी अभय चौटाला जी ने विधानसभा से त्याग पत्र देकर आज किसानों के साथ खड़े होकर तीन काले कानून रद्द करवाने के लिए संकल्प लिया है। जब तक तीन काले कानून रद्द नहीं हो जाते, किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे और किसानों के हर संभव हर तरह से सहायता करेंगे और गरीबों के भी इस प्रकार से, चाहे किसी के गरीब का हो चाहे किसान का हो, हर प्रकार से सहायता करते हैं। और किसानों के लिए जो आज मच्छरों में मक्खियों में बीमारी के कारण बीमार हो रहे हैं, उन्होंने टीकरी बॉर्डर पर एक 50 बेड का हॉस्पिटल खोलकर एक मिसाल कायम की है। इसलिए किसानों के सच्ची पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल है और यही गरीबों का भला कर सकती है। जिस नक्शे कदम पर ताऊ देवीलाल जी के नक्शे कदम पर चौधरी अभय चौटाला चल रहे हैं, हम उनका ऋणी हैं और इंडियन नेशनल लोकदल के वर्कर सभी अभय जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर संगठन को मजबूत कर रहे हैं और किसानों का साथ दे रहे हैं। देवीलाल जी के स्टैचू हैं, वहाँ पुण्यतिथि मनाई जाती है। उसी हिसाब से आज करनाल में भी हम सारे इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ता, संगठन के सभी जो मेन अहदेदार हैं, आज सारे इसीलिए माल्यार्पण करने के लिए, फूल अर्पित करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं, ताकि आने वाली पीढ़ियों को पता लगे चौधरी देवीलाल किस प्रकार से युग पुरुष थे। और उसी संदर्भ में पार्टी को ताकत मिलती है, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को भी ताकत मिलती है, भाई अभय सिंह चौटाला को भी ताकत मिलती है। इसी प्रकार से संगठन जिस तरह से पीछे चलता आया है, उसी प्रकार आप संगठन देख सकते हैं। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का, चौधरी देवीलाल जी का ये दिया हुआ संगठन आज भी उस तरह बदस्तूर काम कर रहा है, अपोजिशन की पूरी भूमिका निभा रहा है। जिस प्रकार हमारे नेता ने, भाई अभय सिंह चौटाला जी ने जो किसान आंदोलन के अंदर आहुति डाली है, इस प्रकार से कोई भी आदमी ऐसा नहीं कर सकता जिस प्रकार भाई अभय सिंह चौटाला ने कुर्बानी दी है। और आने वाले टाइम में इसका रिजल्ट भी आप देखेंगे कि
कि क्या रिजल्ट होगा। किसान भाइयों के साथ ये पार्टी संगठन ये सभी इसी तरह खड़ा रहेगा जब तक ये प्रोग्राम चलता रहेगा, जब तक पार्टी संगठन किसान आंदोलन में इसी प्रकार साथ देता रहेगा। आज हम सभी साथी देश के किसान मजदूर गरीब के मसीहा स्वर्गीय ताऊ देवीलाल जी की आज पुण्यतिथि पर उनको माल्यार्पण फूल अर्पण करने आए हैं। हम उनको फूल अर्पण केवल इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ता के होने के नाते नहीं, हम उनको फूल अर्पण इसलिए नहीं करते कि केवल इंडियन नेशनल लोकदल के संस्थापक थे। उन्होंने देश में एक गरीब वर्ग के उत्थान के लिए, चाहे वो किसी भी बिरादरी का, 36 बिरादरी के गरीबों के उत्थान के लिए समाज में कार्य किया है, जिसके लिए वो जाने जाते हैं, जिसके लिए उनको जननायक की उपाधि भी दी गई है, जिसके लिए उनको मसीहा भी कहा जाता है। आज हम उनके चरणों में फूल अर्पित करके अपने आप को धन्य मानते हुए जो उनके दिखाए हुए मार्ग हैं उन पर चलने का संकल्प लेंगे, ये उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि है। ब्रेकिंग न्यूज, रासबसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक करें।